लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अब तक 6 लिस्ट जारी कर दी है और 400 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया गया है। खबरों की माने तो बीजेपी ने इस लोकसभा चुनाव में 100 से ज्यादा सांसदों को झटका देने का काम किया है। 100 सांसदों को रिपीट ना करें ऐसे उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है नए उम्मीदवारों को सामने रखकर। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इसका खामियाजा क्या पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन किन किन के टिकट कटे हैं और पुराने सांसदों की जगह किन को नया मौका मिला है, ये सवाल इसलिए भी चर्चा का विषय है क्योंकि बीजेपी का नारा है इस बार 400 के पार। तो वहीं दूसरी खबर यह भी है कि इस बार बीजेपी 543 सीटों में से 440 या 450 सीटों पर उतरेगी और बाकी सीटों पर सहयोगियों को चुनाव लड़ाएगी। तो दरअसल ये पूरा मामला, पूरा आकलन कहता क्या है, इस छोटी सी रिपोर्ट के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। 24 मार्च को बीजेपी ने 111 नामों का ऐलान करते हुए कई ऐसी सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए जिनको लेकर चर्चाएं थी। इस तरह बीजेपी अब तक 90% सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है जिनमें उसे लड़ना है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी ज्यादा से ज्यादा 440 या 450 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में पहले राउंड के मतदान से भी करीब 25 दिन पहले 400 उम्मीदवार तय करना उसकी तेजी दिखाता है। एक तरफ बीजेपी ने लिस्ट समय रहते जारी की है, वहीं मौजूदा सांसदों में से लगभग 100 को रिपीट नहीं किया है। इससे पार्टी कई संदेश भी दे रही है। पहला ये कि पार्टी ने समय रहते कैंडिडेट घोषित करके उन्हें चुनाव प्रचार में उतरने के लिए पर्याप्त समय दिया है। बीजेपी अपने दम पर 370 सीटों का टारगेट लेकर चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र में यह भी बात कही थी। ऐसे में बीजेपी को 80% तक का स्ट्राइक रेट दिखाना होगा तभी ये टारगेट मिल सकता है। उम्मीदवारों के पास कम से कम 1 महीने का वक्त है कि वो प्रचार कर सके। इतने वक्त में भी बीजेपी उन सीटों पर भी रूठे हुए कार्यकर्ताओं और नेताओं को मना सकेगी जहां कुछ कद्दावर नेताओं के भी टिकट काटे गए। इन नेताओं में गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह, बक्सर से अश्विनी चौबे, नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी, भोपाल से साध्वी प्रज्ञा, दिल्ली से रमेश भिदूड़ी और प्रवेश वर्मा शामिल हैं। बीजेपी ने इस तरह से विवादित नेताओं को दूर करके ऐसे वरिष्ठ नेताओं को चुनावी रेस से बाहर करके, जो कि बहुत लंबे समय से बने थे, एक मैसेज देने की कोशिश की है। आपको बता दें पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद पिछले दिनों ये कहा था कि बीजेपी का कैंडिडेट कमल है, पार्टी के लोगों को सिंबल देखते हुए काम करना चाहिए। बीजेपी अपने टारगेट को पाने के लिए किस हद तक संजीदा है इसे आंध्र में टीडीपी और पवन कल्याण से दोस्ती से समझा जा सकता है। इसके अलावा पंजाब में अकाली दल को साथ लाने की कोशिश, महाराष्ट्र में बीजेपी का बड़े गठबंधन के नेताओं से जुड़ना, इस तरह के सहयोगी दलों को साथ लाने और विपक्षियों को तोड़ने से बीजेपी को फायदे की उम्मीद है और उनकी कोशिश आप ये सारे कदम से लगा सकते हैं कि कितने संजीदा है वो 400 वाले लक्ष्य को लेकर। नवीन जिंदल शनिवार को ही पार्टी में आए और उन्हें कुरुक्षेत्र से टिकट दे दिया गया। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि पार्टी जीतने वाली सीटों पर ही प्रयोग कर रही है और फंसने वाली सीटों पर दूसरे दलों के मजबूत नेताओं को मौका देते रही है। इसके अलावा कमजोर सीटों पर प्रयोग भी हो रहे हैं और चौंकाने वाले नाम भी दिए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी की स्ट्रैटेजी लिस्ट को लेकर बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। बहुत सारे दिग्गजों के टिकट कटे हैं, लेकिन हां, जो एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने किया है कि जो उसे पता है कि हाँ ये सीट समस्या दे सकती है, वहां पर उन बड़े चेहरों को जो कि दूसरे दलों से भी आए हैं उन्हें उतारने में बीजेपी ने एक पल भी गुरेज नहीं किया है, एक पल भी नहीं सोचा है। निश्चित तौर पर ये जो 400 वाला लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही है उस पर हर सीट पर बहुत फूंक फूंक कर कदम रखती दिखाई पड़ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।